हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग फीचर इंजीनियरिंग कर रहे हैं और आज से हम लोग एक नई चीज स्टार्ट करेंगे, हाउ टू हैंडल मिसिंग वैल्यूज इन योर डेटा सेट। ठीक है, सो यू ऑलरेडी नो कि मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स आर नॉट वेरी गुड विथ मिसिंग डेटा। अगर आप अपने डेटा में मिसिंग डेटा रखते हुए एक मशीन लर्निंग मॉडल को अपना डेटा ट्रेन करने के लिए दोगे तो आपका मॉडल, आपका एल्गोरिदम उसको ट्रेन नहीं कर पाएगा, बिकॉज साइकिट लर्न में ऑलमोस्ट जितने भी एल्गोरिदम्स हैं दे आर नॉट केपेबल टू हैंडल मिसिंग डेटा। सो एज अ डेटा साइंटिस्ट इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अपने मॉडल को ट्रेन करने के पहले आप जो भी डेटा उसको दे रहे हो उसमें से आपको सारी मिसिंग वैल्यूज को हटाना होता है। सो अभी से लेके अगले 5 वीडियोज में I'm going to discuss each and every technique that data scientists can use in order to remove or rather impute missing data. Okay, so let's start the video. So guys, अगर आपके data में missing values हैं तो actually आपके पास 2 options होते हैं। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। The first option is कि आप उस row को ही हटा दो। Let's say आपके पास एक data है जिसमें आपके पास 4 कॉलम्स हैं, जिनमें से ये पहला, दूसरा और तीसरा कॉलम आपका इनपुट कॉलम है और चौथा जो है वो आपका आउटपुट कॉलम है। अब लेट्स से कि आपके पास 1 2 3 4 5 रोज हैं, मतलब 5 ऑब्जर्वेशंस हैं और लेट्स से आपके थर्ड ऑब्जर्वेशन में फर्स्ट कॉलम का वैल्यू मिसिंग है। In that case, what you can do is you can remove this entire third row. आप इसको हटा दो। अब आपके पास सिर्फ 4 रोज बचे और आप 4 रोज के ऊपर काम करो। ठीक है, तो the first way to handle missing values is to remove them. Remove them. This is the first option. But बहुत ज्यादा इसको prefer नहीं किया जाता because अगर आप data हटा रहे हो तो आप साथ ही साथ second, थर्ड और फोर्थ यहाँ पे जो वैल्यूज थी इनको भी हटा रहे हो और हो सकता है ये वैल्यूज काम की हो। तो ऑल्दो ये एक टेक्निक है और आज के वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे, बट ये उतना ज्यादा यूज नहीं होता, बट मैं आपको ये पढ़ाऊंगा। ठीक है, द सेकेंड वे इज टू इम्प्यूट देम, मतलब आप उसको फिल करो। ठीक है, अब फिल करने के 2 टेक्निक्स होते हैं। एक टेक्निक होता है यूनिवेरिएट, जब आप फिल करते टाइम एक बार में एक ही कॉलम के ऊपर फोकस करते हो, और सेकंड होता है मल्टीवेरिएट। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम ये पढ़ रहे हैं और यूनिवेरिएट हम लोग अगले वीडियो में करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में। अब यूनिवेरिएट में आपके पास अलग अलग टेक्निक्स होती हैं, डिपेंडिंग ऑन कि आपका जो कॉलम है जहां पे डेटा मिसिंग है वो न्यूमेरिकल है या फिर कैटेगोरिकल है, इसके बेसिस पे आप इंप्यूटेशन करते हो। न्यूमेरिकल में अलग अलग टेक्निक्स हैं कि आप मीन या मीडियन से फिल कर दो या फिर आप कोई रैंडम वैल्यू से फिल कर दो या फिर आप एंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वैल्यू से फिल कर दो। अब ये क्या होता है मैं आपको बताऊंगा कल के वीडियो में। सिमिलरली कैटेगोरिकल में आप मोड से रिप्लेस कर सकते हो, मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू से, या फिर आप लिख सकते हो मिसिंग, ये वर्ड लिख सकते हो। ठीक है, तो साइकिट लर्न में यूनिवेरिएट इंप्यूटेशन के लिए एक क्लास दिया हुआ है, हम वही यूज करेंगे। इट्स कॉल्ड सिंपल इंप्यूटर क्लास। तो ये जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई ये सब कुछ हम इस सिंपल इंप्यूटर क्लास के थ्रू करेंगे कल के वीडियो में। ठीक है, अब बात आती है मल्टीवेरिएट इंप्यूटेशन की। यहाँ पे आप 2 टेक्निक्स पढ़ोगे। फर्स्ट इज KNNImputer, यहाँ पर आप एक मशीन लर्निंग एल्गोरिदम को यूज करके मिसिंग वैल्यूज को फिल करते हो, और सेकंड है आइटरेटिव इम्प्यूटर। ये एक एल्गोरिदम पे काम करता है जिसको हम बोलते हैं माइस, और इसके लिए भी एक क्लास है। जैसे KNNImputer एक क्लास है, आइटरेटिव इम्प्यूटर भी एक क्लास है। तो प्लान ये है गाइस कि हम लोग 5 वीडियोस में ये पूरी चीज कवर करेंगे। इन द फर्स्ट वीडियो विच इज दिस वन, हम सीखेंगे हाउ टू रिमूव वैल्यूज, कंप्लीटली वैल्यूज को कैसे रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, इन द सेकेंड वीडियो जो कि हम कल देखेंगे उसमें हम पढ़ेंगे सिंपल इंप्यूटर क्लास, ये वाला पूरा यूनिवेरिएट वाली पूरी चीज। ठीक है, उसके बाद जो अगला वीडियो होगा, थर्ड वीडियो, उसमें हम पढ़ेंगे KNNImputer। ठीक है, और जो लास्ट होगा, सॉरी जो फोर्थ होगा, उसमें हम पढ़ेंगे आइटरेटिव इंप्यूटर। ठीक है, और एक लास्ट होता है फिफ्थ में, इसके बारे में अभी ज्यादा डिस्कशन नहीं करते हैं क्योंकि कुछ पॉइंट नहीं बनेगा, बट देयर इज अ थिंग कॉल्ड मिसिंग इंडिकेटर। ठीक है, बस ये पांच चीजें हमें पढ़नी हैं इन दिस टॉपिक, हैंडलिंग मिसिंग वैल्यूज। ठीक है, सो आज का वीडियो विल बी ऑल अबाउट रिमूविंग द डेटा, जहां पे भी डेटा मिसिंग है। इसको हम बोलते हैं CCA। CCA का मतलब कंप्लीट केस एनालिसिस। कंप्लीट केस एनालिसिस, जब भी आप डेटा रिमूव करते हो, मिसिंग वैल्यूज को रिमूव करते हो, दैट अप्रोच इज नोन एज कंप्लीट केस एनालिसिस। हम लोग आज के वीडियो में वही पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई इंट्रोडक्शन की बात। नाउ लेट्स मूव ऑन टू कंप्लीट केस एनालिसिस। सो क्या होता है कंप्लीट केस एनालिसिस, वो आपको ये डेफिनेशन पढ़ के समझ में आ जाएगा। कंप्लीट केस एनालिसिस CCA ऑल्सो कॉल्ड लिस्ट वाइज डिलीशन ऑफ केसेस consists in discarding observations where values in any of the variables are missing। ठीक है, so यहाँ पे आप ऑब्जर्वेशन के बदले रीड करो रो और वेरिएबल के बदले रीड करो कॉलम। ठीक है, सो यहाँ पे आप क्या करते हो कि यू डिस्कार्ड द रोज वेयर वैल्यूज इन एनी ऑफ द कॉलम्स आर मिसिंग, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया। इस जगह पे सेम यही काम करते हो। अगर किसी भी कॉलम में, किसी भी रो के किसी भी कॉलम में अगर मिसिंग वैल्यूज हैं, तो आप उस पूरे रो को ही हटा देते हो। इसी को बोला जाता है कंप्लीट केस एनालिसिस। ठीक है, कंप्लीट केस एनालिसिस लिटरली मींस एनालाइजिंग ओनली दोज ऑब्जर्वेशंस फॉर व्हिच देयर इज इंफॉर्मेशन इन ऑल द कॉलम्स इन द डेटा सेट। मतलब इसको कंप्लीट केस एनालिसिस इसलिए बोलते हैं क्योंकि आप सिर्फ उन्हीं रोज के ऊपर काम करने वाले हो जिनके अंदर, हर कॉलम के अंदर वैल्यूज मिलेंगी, कहीं भी मिसिंग वैल्यूज नहीं होंगी। दैट इज व्हाई यू कॉल इट कंप्लीट केस एनालिसिस। ठीक है, आई होप आपको डेफिनेशन वाइज ये समझ में आ गया होगा। अब अजम्पशंस क्या होते हैं आपके CCA करने के? आप कब CCA यूज करते हो, कब आप डेटा को रिमूव कर देते हो? दो अजम्पशंस होते हैं। फर्स्ट अजम्पशन होता है कि आपका डेट, इनफैक्ट एक ही अजम्पशन होता है, मैं आपको एक ही अजम्पशन बताता हूं सो दैट आप कंफ्यूज ना हो। द अजम्पशन इज दिस कि योर डेटा इज मिसिंग completely at random। समझने का ट्राई करना, बहुत सिंपल सी बात है। मान लो आपके पास एक एज कॉलम है और उस एज कॉलम में, मतलब टोटल आपके पास डेटा सेट में 1000 रोज हैं और 4 कॉलम्स हैं, और उन 4 में से एक कॉलम एज है। अब एज में मान लो 50 वैल्यूज मिसिंग है, तो अगर आप कंप्लीट केस एनालिसिस करोगे तो आप क्या करोगे कि ये 50 वैल्यूज जहां पे भी मिसिंग है उन सारे रोज को हटा दोगे। तो जब ये ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो आपका डेटा सेट का शेप हो जाएगा 950 रोज। 50 रोज हट गए, कॉलम्स अभी भी उतने ही रहेंगे, राइट? अब ये आप तभी करोगे जब आप इस बारे में श्योर होगे कि ये जो 50 वैल्यूज हैं ये रैंडमली मिसिंग है। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि शुरू के 50 वैल्यूज मिसिंग है, या फिर लास्ट के 50 वैल्यूज मिसिंग है, या 25 वैल्यू शुरू के 25 वैल्यू लास्ट के मिसिंग है। तो इस तरह के सेटअप में आप डेटा रिमूव नहीं करोगे क्योंकि फिर गड़बड़ है। इंस्टेड आप कब CCA अप्लाई करोगे? जब यू विल बी श्योर कि आपने जो डेटा रिमूव किया है वो कंप्लीटली रैंडमली मिसिंग था। ठीक है, इसको बोला जाता है मिसिंग कंप्लीटली एट रैंडम। ये एक टर्म होता है MCAR, मिसिंग कंप्लीटली एट रैंडम। ये सबसे बड़ा अजम्पशन होता है, क्योंकि सोच के देखो, अगर मिसिंग कंप्लीटली एट रैंडम है, मतलब रैंडमली अगर डेटा मिसिंग है, तो अगर आप CCA कर रहे हो, मतलब उन रोज को अगर आप हटा रहे हो, तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि आपके पास अगर 1000 रोज होते और आपने रैंडमली 50 रोज को ऐसे ही हटा दिया। मिसिंग डेटा कुछ भी नहीं था, फिर भी आपने 50 रोज को हटा के 950 रोज कर दिया। तो डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन अभी भी सेम रहेगा अगर आप कंप्लीटली रैंडमली अगर डेटा हटा रहे हो तो। ठीक है, तो वही बात है कि अजम्पशन हमेशा याद रखना कि आप CCA तभी अप्लाई करते हो जब डेटा रैंडमली मिसिंग हो। ठीक है, आई होप आपको ये वाली बात समझ में आ गई। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या है इस अप्रोच के, वो जल्दी से देख लेते हैं। एडवांटेज ये है कि बहुत इजीली आप इसको इंप्लीमेंट कर सकते हो। पैंडास में आपको बस ड्रॉप NA वाले फंक्शन को कॉल करना है और आपका काम हो जाएगा, और यू नीड नो डेटा मैनिपुलेशन, कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, सेकंड It preserves variable distribution. If data is MCAR, missing completely at random, then the distribution of the variable of the reduced data set should match the distribution in the original data set. कभी भी जब आप CCA परफॉर्म करते हो, कंप्लीट केस एनालिसिस परफॉर्म करते हो, तो आपको हमेशा चेक करना चाहिए कि डेटा को हटाने के पहले का जो डिस्ट्रीब्यूशन है और डेटा को हटाने के बाद का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें बहुत ज्यादा का डिफरेंस नहीं हो, ठीक है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि दो बेनिफिट्स ये हैं कि कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ हटा देना है, और सेकंड क्या है कि डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन जैसा है वैसा ही है, ठीक है। डिसएडवांटेजेस काफी सारे हैं, इसीलिए उतना परफॉर्म नहीं किया जाता इसको। डिसएडवांटेज क्या है कि इट कैन एक्सक्लूड अ लार्ज फ्रैक्शन ऑफ ओरिजिनल डेटा सेट। अगर बहुत सारी मिसिंग वैल्यूज है तो आपको बहुत सारा हटाना पड़ जाएगा, तो दैट इज अ बैड थिंग, ठीक है। सेकेंड, एक्सक्लूडेड ऑब्जर्वेशंस कुड बी इंफॉर्मेटिव फॉर द एनालिसिस इफ डेटा इज नॉट मिसिंग एट रैंडम, राइट, आपके डिस्ट्रीब्यूशन को खराब कर सकता है। थर्ड, व्हेन यूजिंग आवर मॉडल्स इन प्रोडक्शन द मॉडल विल नॉट नो हाउ टू हैंडल मिसिंग डेटा। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझने का ट्राई करना। आपको जब आप मॉडल बना रहे थे उस टाइम आपने सारा मिसिंग डेटा हटा दिया, मतलब आपके मॉडल को सिर्फ वही डेटा मिला जिसमें कुछ भी मिसिंग नहीं था। लेकिन अब जब आपने मॉडल को सर्वर पर डिप्लॉय किया तो वहां पे मान लो मिसिंग डेटा आ गया, तो अब आपके मॉडल को कुछ आइडिया ही नहीं है कि उसको हैंडल कैसे करना है। ये सबसे बड़ा फ्लॉ होता है और इसीलिए बहुत ज्यादा इसको यूज नहीं किया जाता है सीसीए को, क्योंकि अगर आप सीसीए करते हो सर्वर पे लाइक प्रोडक्शन में आपके मॉडल को आइडिया नहीं रहता कि मिसिंग डेटा को कैसे ट्रीट करना है, एंड दैट इज अ बिग फ्लॉ, ठीक है। आई होप आपको ये भी समझ में आ रहा है। नेक्स्ट इज कब यूज करना चाहिए सीसीए। दो केसेस में, पहला केस कि MCAR हो, डेटा should be missing completely at random, ये पहला requirement है। Second, अब अगर MCAR है तो मान लो कितना % डेटा मिसिंग हो तो मुझे अप्लाई करना चाहिए। ऐसा कुछ रूल नहीं है, बट जनरली लोग 5% लेके चलते हैं कि अगर कभी भी आपका किसी भी कॉलम में 5% से ज्यादा डेटा अगर मिसिंग है तो आप सीसी अप्लाई नहीं करते, राइट। आप सीसी अप्लाई नहीं करते। सीसीए सिर्फ तब अप्लाई किया जाता है जब आपके पास 5% से कम मिसिंग डेटा हो। अब मान लो आपके पास किसी रो किसी कॉलम में 95% मिसिंग डेटा है, मतलब 1000 रोज हैं, उसमें से आपके पास 95 मतलब 995 आई गेस, नहीं 995 मतलब 950, आई एम सॉरी, 950 रोज में वैल्यू ही नहीं है। तो इस केस में आप सारे रोज नहीं हटा दोगे, क्योंकि सारे रोज हटाओगे तो आपने 950 रोज हटा दिए, आपके पास सिर्फ 50 रोज बचे, तो क्या एनालिसिस करोगे। तो लेस देन 5% में ही आपको हटाना है। बाय द वे, अगर ऐसा केस आता है कि किसी कॉलम में 95% वैल्यूज मिसिंग है तो आप वहां पे उस कॉलम को ही हटा देते हो, यू रिमूव द कॉलम, ये भी एक ऑप्शन होता है। अभी तक हम रो को हटाने का बात कर रहे थे, बट आप कॉलम भी हटा सकते हो अगर बहुत ज्यादा डेटा मिसिंग है तो, ठीक है। मैंने कभी कभी ऐसा फेस किया है कि किसी कॉलम में 99% वैल्यूज मिसिंग है। अब जब वैल्यूज ही नहीं है उसमें 99%, तो मैं क्या करूंगा, हटा दूंगा, राइट। तो ये याद रखना कि दो रूल ऑफ थंब लेके चलना है कि डेटा रैंडमली मिसिंग होना चाहिए और सेकंड 5% से कम होना चाहिए, तभी आप सीसी अप्लाई करते हो, ठीक है। तो अब मैं आपको जल्दी से एक कोड एग्जांपल दिखाता हूँ जहाँ पे एक डेटा सेट, एक रियल वर्ल्ड डेटा सेट के ऊपर मैं आपको सीसीए परफॉर्म करके दिखाऊंगा और मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या आपको चीजें चेक करनी चाहिए व्हाइल परफॉर्मिंग सीसीए, ठीक है। सो दिस इज द कोड दैट आई हैव। इसको मैं एक बार रन कर रहा हूँ। लाइब्रेरीज मैंने इंपोर्ट कर ली। ये मेरे पास डेटा सेट है, डेटा साइंस जॉब्स बोल के। इसमें एक जॉब, एक पर्टिकुलर जॉब के लिए जितने कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया उनके बारे में डिटेल है, ठीक है। सो एक बार मैं इसका आपको ओवरव्यू दिखाता हूँ इस डेटा सेट का। सो यहाँ पे कॉलम्स क्या क्या है। एनरोली आईडी, जिसने अप्लाई किया उसका आईडी, कौन सी सिटी से है, उस सिटी का डेवलपमेंट इंडेक्स क्या है, जेंडर क्या है, रेलेवेंट एक्सपीरियंस क्या है कैंडिडेट का, कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ा है, एजुकेशन लेवल क्या है, मेजर डिसिप्लिन क्या है उसके एजुकेशन का, कितना ईयर्स का एक्सपीरियंस है, जिस कंपनी में काम करता है उसका कंपनी साइज क्या है, कंपनी का टाइप क्या है, उसने डेटा साइंस में कितने घंटे का ट्रेनिंग लिया, और टारगेट का मतलब है कि फाइनली आपने उसको हायर किया या नहीं किया। 0 का मतलब हायर नहीं किया, 1 का मतलब हायर किया, ठीक है। तो ये मेरे पास डेटा सेट है और ये एक रियल वर्ल्ड डेटा सेट है, मैंने कैगल से डाउनलोड किया है। थोड़े से चेंजेस मैंने खुद से भी किए हैं इसमें। सो आप गिटहब से मेरे वाला डेटा सेट यूज करना रादर देन यूजिंग कैगल का। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो मिसिंग डेटा कॉलम वाइज मैंने निकाला है, ये कोड लिख करके. सो यू कैन सी enrollee ID, city, relevant experience and target. इनमें कुछ भी मिसिंग नहीं है, बढ़िया चल रहा है. बट देयर आर सर्टेन कॉलम्स लाइक जेंडर. जेंडर में ऑलमोस्ट 1/4 कैंडिडेट्स का जेंडर मेरे पास नहीं है. मेजर डिसिप्लिन में 14% डेटा मिसिंग है. कंपनी साइज में 30% डेटा मिसिंग है. कंपनी टाइप में 32% डेटा मिसिंग है. और फिर देयर आर सर्टेन कॉलम्स जैसे कि सिटी डेवलपमेंट इंडेक्स, यहाँ पे 2% डेटा मिसिंग है. एनरोल्ड यूनिवर्सिटी में 2% डेटा मिसिंग है. एजुकेशन लेवल में 2% डेटा मिसिंग है, 2.5% एक्चुअली. एक्सपीरियंस में 0.33, बहुत कम. और ट्रेनिंग आवर्स में 4% डेटा मिसिंग है. ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर CCA अप्लाई करने का स्कोप है. ठीक है, तो ऑब्वियसली आप सबसे पहले ये सोचोगे कि कौन से कॉलम्स के ऊपर आप CCA अप्लाई कर सकते हो. आप जेंडर के ऊपर नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपने जेंडर के ऊपर किया तो 23% रोज हट जाएंगे. राइट, बाय द वे शेप डेटा का ये है, 19,000 रोज हैं. उसमें से आप सीधे अगर आप जेंडर के बेसिस पे CCA अप्लाई करोगे 23% रोज हट जाएंगे. और कंपनी साइज में 30%, कंपनी टाइप में 32%, तो काफी सारा डेटा आपका उड़ सकता है. तो हम जो CCA अप्लाई करेंगे उसमें सबसे पहला कंसिडरेशन ये होगा कि हम सिर्फ उन कॉलम्स के ऊपर CCA अप्लाई करेंगे जहां पे टोटल नंबर ऑफ मिसिंग डेटा इज लेस देन 5%. सो बेसिकली हम सिटी डेवलपमेंट इंडेक्स पे अप्लाई करेंगे, हम एनरोल्ड यूनिवर्सिटी पे अप्लाई करेंगे, हम एजुकेशन लेवल पे करेंगे, हम एक्सपीरियंस पे करेंगे और हम ट्रेनिंग आवर्स पे करेंगे. इन 5 कॉलम्स के ऊपर हम लोग फोकस करने वाले. इनफैक्ट मैंने कोड लिख करके ये चलाया भी है कि मैंने उन कॉलम्स का नाम निकाल लिया जिनके अंदर नल वैल्यू इज लेस देन 5% एंड ग्रेटर देन 0. ये कोड रन करने से मुझे ये 5 कॉलम्स मिल गए. क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आपके पास बहुत बड़ा डेटा सेट होता है, 50-100 कॉलम्स होते हैं उसमें, तो वहाँ पे इंडिविजुअली आप ऐसे पॉइंट आउट नहीं कर पाओगे कि इसमें 5% मिसिंग है, इसमें 5% मिसिंग है. तो ये कोड आपको डायरेक्टली वो निकाल के दे देगा. ठीक है, सो मैंने एक डेटा फ्रेम में से लाइक ये रहे वो 5 कॉलम्स जिनके ऊपर हम फोकस करने वाले हैं. इसमें से सिटी डेवलपमेंट इंडेक्स न्यूमेरिकल है, एक्सपीरियंस न्यूमेरिकल है, ट्रेनिंग आवर्स न्यूमेरिकल है, एनरोल्ड यूनिवर्सिटी और एजुकेशन लेवल जो है हमारा, ये दोनों चीजें कैटेगोरिकल डेटा है. ठीक है, तो बहुत देखो सिंपल है यार, कुछ करना नहीं है खास. आपको बस पहले तो ये चेक कर लेना है कि आप जब ड्रॉप कर रहे हो उन सारे रोज को तो कितना नुकसान हो रहा है. तो मैंने क्या किया, मैंने df columns.dropna लगाया, तो इससे क्या होगा वो सारे रोज ड्रॉप हो जाएंगे जहां पे इन कॉलम्स में मिसिंग वैल्यू है. और उसको मैंने लेंथ ऑफ df से डिवाइड किया, तो पता चला कि 89% डेटा बचेगा. अगर मेरे पास पहले 100 रोज थे तो इन सारे कॉलम्स के मिसिंग डेटा के रोज हटाने के बाद मेरे पास 89 रोज बच रहे हैं. ठीक है, सो वही मैंने किया, मैंने एक नया डेटा फ्रेम बनाया और मैंने लिखा df columns.dropna. और ये रहा गाइस मेरा पुराना वाला df और ये रहा मेरा न्यू df. यू कैन सी कि मेरा पुराना वाला df हैज गॉट 19,000 रोज एंड दिस हैज गॉट 17,182. ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ रहा है. ठीक है, अब मैंने यहाँ पे नए डेटा फ्रेम में हिस्टोग्राम प्लॉट करके देखा, तो दिस इज द हिस्टोग्राम नए डेटा फ्रेम में ड्रॉप करने के बाद, CCA परफॉर्म करने के बाद. ठीक है, अब इंडिविजुअली मैं सबको एनालाइज कर रहा हूँ. इंडिविजुअली आपको क्या करना चाहिए हमेशा, अगर आपके पास न्यूमेरिकल डेटा है, जिस न्यूमेरिकल डेटा के ऊपर अगर आपने CCA लगाया है, तो आप हिस्टोग्राम प्लॉट करके देखो बिफोर अप्लाइंग CCA, आफ्टर अप्लाइंग CCA. अगर दोनों डिस्ट्रीब्यूशंस कंपेरेबल हैं तो आप CCA जो परफॉर्म कर रहे हो वो ठीक है, उसमें कुछ गड़बड़ नहीं है. जैसे यहाँ पर देखो, मैंने क्या किया, मैंने पुराने वाले DF में ट्रेनिंग आवर्स के ऊपर हिस्टोग्राम चलाया और नए वाले में ट्रेनिंग आवर्स के ऊपर हिस्टोग्राम चलाया. और पहले वाले का कलर रेड है और दूसरे वाले का कलर ग्रीन है. और जब इस कोड को रन किया तो यू कैन सी कि ऑब्वियसली रेड वाला पीछे है, ग्रीन वाला ऊपर है, तो एकदम ओवरलैप कर गया. देयर आर सर्टेन एरियाज जहां पे रेड वाला दिखाई दे रहा है, बट यू कैन सी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अभी भी सेम है. तो मिसिंग वैल्यूज को हटाने के बाद आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है उस पर्टिकुलर कॉलम का, ट्रेनिंग आवर्स कॉलम का, वो अभी भी सेम है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, सिमिलरली मैंने सेम काम किया और इस बार मैंने बस आपका PDF प्लॉट कर दिया. और PDF से जो अपना डेंसिटी प्लॉट आया वो एक्चुअली पीछे रेड लाइन है, उसके ऊपर ग्रीन लाइन है, बट वो एकदम ओवरलैप्ड है, तो समझ में नहीं आ रहा. इससे ये प्रूव हो रहा है कि जो डेटा मिसिंग था दैट वाज मिसिंग कंप्लीटली एट रैंडम. ठीक है, ये चीज आपको यहाँ से दिखाई दे रही होगी। ठीक है, सेम हम लोग बाकी दोनों न्यूमेरिकल कॉलम्स के ऊपर कर रहे हैं। सिटी डेवलपमेंट इंडेक्स बिफोर अप्लाइंग सीसीए, आफ्टर अप्लाइंग सीसीए, एंड यू कैन सी कि हमारे पास फिर से जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बिल्कुल ओवरलैप कर रहा है, और दिस शोज कि डेटा वाज मिसिंग कंप्लीटली एट रैंडम। ठीक है, कुछ जगहों पे बस रेड वाला ऊपर निकल रहा है, बट डिस्ट्रीब्यूशन में कोई चेंज नहीं है। और फिर से हमने डिस्प्लॉट प्लॉट कर दिया, एज इन पीडीएफ प्लॉट कर दिया। यू कैन सी कुछ जगहों पे बस रेड वाला जो आपका कर्व है वो ऊपर जा रहा है या थोड़ा सा हट रहा है ग्रीन वाले से, बट मोर और लेस जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन है वो सेम है, तो यू आर सेफ, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ठीक है, और लास्टली मैं सेम काम कर रहा हूँ एक्सपीरियंस वाले कॉलम के ऊपर, एंड एक्सपीरियंस वाले कॉलम के ऊपर भी यू कैन सी कि बस इनिशियल कुछ वैल्यूज डिफर कर रही हैं, अदरवाइज बाकी सब कर्व बिल्कुल सेम है, एंड सेम विद द पीडीएफ डिस्प्लॉट। ठीक है, बस कुछ जगहों पे आपका रेड ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, बट अदरवाइज द डिस्ट्रीब्यूशन, द शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज सेम। सो इसका मतलब ये हुआ कि जो तीनों न्यूमेरिकल कॉलम्स थे उसमें जो भी मिसिंग डेटा था इट वाज मिसिंग कंप्लीटली एट रैंडम, और फिर सीसीए परफॉर्म करना इज सेफ, आप कर सकते हो। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम कैटेगोरिकल कॉलम्स का बात करते हैं। हमारे पास दो कैटेगोरिकल कॉलम्स हैं, एनरोल्ड यूनिवर्सिटी और एजुकेशन लेवल। सो कैटेगोरिकल कॉलम्स के केस में आपको क्या करना होता है कि आपके कॉलम्स में, लाइक आपके कैटेगोरिकल कॉलम्स में कैटेगरीज होती है, जैसे यहाँ पर आप नोटिस करना, आई विल शो यू, ये देखो, डीएफ एनरोल्ड यूनिवर्सिटी डॉट वैल्यू काउंट्स। यू कैन सी यहाँ पे तीन कैटेगरीज हैं, नो एनरोलमेंट, फुल टाइम कोर्स, पार्ट टाइम कोर्स, राइट। और अगर मैं सेम बात करूं एजुकेशन लेवल का, तो एजुकेशन लेवल में भी कैटेगरीज होंगी, राइट। सो अगर मैं इसको रन करूं तो दीज आर द कैटेगरीज। सो देयर आर 5 कैटेगरीज, ग्रेजुएट, मास्टर्स, हाई स्कूल, पीएचडी, प्राइमरी स्कूल। तो आपको क्या चेक करना होता है कि बिफोर सीसीए जो रेशियो है हर कैटेगरी का, वही रेशियो मेंटेन रहना चाहिए आफ्टर परफॉर्मिंग सीसीए। मतलब ग्रेजुएट का जितना रेशियो है पूरे के पूरे डेटा में, उतना ही रेशियो मेंटेन रहना चाहिए आफ्टर रिमूविंग द डेटा। तो इससे प्रूव हो जाएगा कि आपका जो डेटा था दैट वाज मिसिंग कंप्लीटली एट रैंडम। तो यही ट्रिक हम यूज कर रहे हैं। व्हाट आई हैव डन इज आई हैव रिटन अ पीस ऑफ कोड, जहां पे मैंने क्या किया है कि वैल्यू काउंट्स को लेंथ ऑफ डीएफ से डिवाइड करके रेशियो निकाल दिया बिफोर सीसीए, और सेम काम किया मैंने आफ्टर सीसीए। तो इसको रन करने पे यू कैन सी मैंने एक डेटा फ्रेम बना दिया कि जो हमारा एनरोल्ड यूनिवर्सिटी है उसमें देयर आर 3 कैटेगरीज, नो एनरोलमेंट, फुल टाइम कोर्स, पार्ट टाइम कोर्स। और जो ओरिजिनल डेटा था उसमें नो एनरोलमेंट का रेशियो था 0.72, फुल टाइम का था 0.19 और पार्ट टाइम का था 0.06। और जब हमने सीसीए परफॉर्म किया, मिसिंग वैल्यूज को हटाया, तो भी हमारा जो अपना ये था कैटेगरीज थी वो, उनका रेशियो अभी भी सिमिलर है। देखो 0.72 से 0.73 हो गया, हल्का सा ज्यादा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 0.19 से 0.20 हो गया, अगेन कुछ ड्रास्टिक चेंज नहीं है। 0.06 सेम है। अगर यहीं पे कोई बड़ा चेंज आ जाता जैसे 0.19 और यहाँ पे थोड़ा और ज्यादा हो जाता 0.25, तो आपको थोड़ा सा एक रेड अलर्ट होता है कि नहीं, यहाँ पे सीसीए परफॉर्म करने से गड़बड़ हो रहा है। ठीक है, बट यहाँ पे सब कुछ ठीक है। एंड सेम मैंने किया एजुकेशन लेवल के ऊपर, और यू कैन सी द आउटपुट इज अगेन लाइक दिस। ग्रेजुएट पहले 0.6 था, 0.61 हो गया, मास्टर्स 0.22 था, 0.23 हो गया, हाई स्कूल सेम है, पीएचडी सेम है, और आपका प्राइमरी स्कूल भी सेम है। तो अगेन यहाँ पर भी सीसी अप्लाई करना इज फाइन। ठीक है, तो बस यही है यार गाइस, समझने की बात यही है कि आप सीसीए अप्लाई करके अपना हेडेक बचा सकते हो। आप सिंपली डेटा को हटा दो, लेकिन हटाने से पहले ये चेक कर लेना कि मिसिंग कंप्लीटली एट रैंडम वाला क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है कि नहीं। अगर नहीं हो रहा है तो हो सकता है कि आपने कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लूज कर दिया, वो आपको नहीं करना है। यू हैव टू मेक श्योर दैट द डेटा इज मिसिंग कंप्लीटली एट रैंडम, देन ओनली यू कैन रिमूव द डेटा। बट एक प्रॉब्लम अभी भी आ जाती है कि जब आप इसको प्रोडक्शन पे डालोगे, सर्वर पे डालोगे अपने मॉडल को, तो वहां पे मिसिंग वैल्यूज नहीं आनी चाहिए, क्योंकि हमने मिसिंग वैल्यूज के साथ ट्रेन ही नहीं किया अपने मॉडल को। सो मेरे मॉडल के पास कोई तरीका नहीं है मिसिंग वैल्यूज को हैंडल करने का। सो दैट इज वाई बहुत ज्यादा लोग सीसीए नहीं करते, कंप्लीट केस एनालिसिस नहीं करते हैं। इंस्टेड व्हाट पीपल ट्राई टू डू इज दे ट्राई टू इम्प्यूट मतलब वैल्यूज को फिल करने का ट्राई करते हैं रादर देन रिमूविंग इट। और अगले 4 वीडियोज में हम लोग उसी के ऊपर फोकस करेंगे। सो आई होप you understood the entire thing. So yeah, that's it for this video. Will be tomorrow. Bye.